एंड ये लैपटॉप इससे भी काफी लाइट है, तो मैं इतना अच्छा एम्प्लॉय हूँ कि इतने सारे लैपटॉप दे दिए वाले हो, एचडी बनने वाले हो, तो वो जो टर्मिनल है ना, वो टर्मिनल बहुत फायदा करता है तुम्हारा। डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज पे चलते हैं, कुछ मैक पे चलते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, तुम्हें ये डिब्बा देख के, थंबनेल देख के, टाइटल देख के कुछ कुछ समझ आ रहा होगा वीडियो में क्या होने वाला, क्या समझ आ रहा होगा। अनबॉक्सिंग नहीं है ये, तो तुम्हें समझ कैसे आएगा, ये कुछ नया है, ये कुछ उल्टा है। तो उल्टी चीजें हमें करने में मजा आता है। आज हम रीबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत स्टोरी सुनाते हैं तुम्हें और फिर करते हैं। तो बेसिकली मेरे को दो लैपटॉप मिले थे कंपनी से, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, मैक ओएस कहते हैं उसे। तो मैं अपना मैक रिटर्न कर रहा हूं अपनी रीजंस की वजह से, नॉट ड्यू टू एनी अदर रीजंस। तो आज हम करेंगे रीबॉक्सिंग, री अनबॉक्सिंग क्या बोलेंगे, कुछ नया बनाते हैं। अब हमने एक नई चीज शुरू करी है, एंड ऑल्सो जब अनबॉक्सिंग करी थी उस टाइम तो बिल्कुल जापान में लैंड ही हुए थे, तो दिमाग में इतनी सारी चीज चल रही थी, बाहर देखने जाना था, बाहर देखना था, जापान को डाइजेस्ट करना था, तो तब अनबॉक्सिंग नहीं बना पाए। तो एक ही बात है, रीबॉक्सिंग में भी सब पूरा बॉक्स दिख ही जाएगा, अनबॉक्सिंग में भी पूरा दिख जाता है, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं। एंड ऑल्सो आज हम रिव्यू भी करेंगे अपना विंडोज वर्सेस मैक का सफर, SUFFER वाला है या SAFAR वाला सफर है, वो आज तुम्हें पता चलेगा। एंड इसी बात पे तुम्हारी लड़ाई शुरू कर देते हैं, कमेंट्स में बता दो फटाफट, विंडोज या मैक या एप्पल क्या पसंद है तुम्हें, विंडोज वर्सेस मैक ओएस या विंडोज वर्सेस एप्पल हो ही जाए आज तो कमेंट्स में, तो जल्दी से फटाफट नीचे लिख दो कि हाँ तुम्हें क्या पसंद है। एंड आजकल बहुत सारी वीडियोस भी बना रहा हूं मैं, पहले ML वाली मस्त वीडियो बनाई, फिर वेब डेवलपमेंट वर्सेस मोबाइल डेवलपमेंट पे इतनी बढ़िया वीडियो बनाई, व्लॉग बनाया, कंपनी रिव्यू आ गया है वापस इंटुइट का, देखो जाके, और एक व्लॉग बनाया ये गिटार खरीदते हुए, बहुत सारी वीडियोस आ रही है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला 6 मंथ एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, क्या सीखा मैंने, क्या करा, उसके बारे में भी मैं बहुत मस्त सी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने काफी डिटेल रिसर्च और क्वेश्चंस और आर्टिकल पूरा लिख लिया है, मैंने बनाना है बस, आलस ना है बस, तो बना दूंगा मैं जल्दी से। तो नीचे कमेंट करना तुम अगर कुछ नया और जानना चाहते हो 6 मंथ्स एज एन SDE में। सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वो तुम्हें पता है अपने आप, वो बोलूंगा नहीं मैं आज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों दो लैपटॉप मिले, क्यों मल्टीपल लैपटॉप मिले, क्यों इतना सारा पैसा रहते हैं, मैं इतना अच्छा यूजर या मैं इतना अच्छा एम्प्लॉई हूँ, कुछ भी इतने सारे लैपटॉप दे दिए, तो उस पर बात करते हैं। मेन इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज पे चलते हैं, कुछ मैक पे चलते हैं, तो ये जो डिपेंडेंसी होती है अगर मेरे डेवलपमेंट या मेरे किसी भी काम में इश्यू अगर क्रिएट करेगी तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं है ना, मेरी प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी, एक ये रीजन है। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ वेबसाइट्स या कुछ पोर्टल्स ऐसे हैं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चलते हैं, अलग अलग कंपनीज से डिपेंडेंसी की वजह से, फैक्ट्रीज एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, फैक्ट्री तो नहीं आई थिंक, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एक विंडोज लैपटॉप होना भी जरूरी है और मैक होना तो जरूरी है, क्योंकि हर कंपनी में मैक यूज हो रहा है, तो कोई सी भी कंपनी क्यों पीछे रहे, सिंपल सी बात है। तो इनिशियली मेरे को मैक ही मिला था, एंड मैक ऑब्वियसली अमेजिंग है यार, मैकबुक प्रो से आई डोंट थिंक कोई अच्छा लैपटॉप है, अगर तुम सिर्फ यूज केस देखो, पैसा और उन सब की चीजों के मत देखो, सिर्फ यूजेज, उसका फॉर्म फैक्टर वो सब देखो, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं, डिस्कशन शुरू करने से पहले शुरू करते हैं रीबॉक्सिंग। ये दो लैपटॉप मैंने रखे हुए हैं, एक ये रहा मैकबुक और ये, तो इसको रीबॉक्स करते हैं, दिखाता हूँ क्या क्या चीजें मेरे को मिली थी, एंड फिर डिस्कस करते हैं मैकबुक के फायदे, मैकबुक के इश्यूज, एंड तुम्हें क्या करना चाहिए लैपटॉप लेते हुए, या लैपटॉप जो तुम्हारे पास है उसका बेस्ट यूज कैसे करना चाहिए। तो शुरू करते हैं, ये है मेरा मैकबुक, इसके फायदे बताने से पहले बॉक्सिंग कर लेते हैं, रीबॉक्सिंग कर लेते हैं, और बाद में मैं तुम्हें इसे निकाल के दिखा दूंगा सारे फायदे, कितना बढ़िया लगता है भाई, स्क्रीन इतनी बढ़िया, इसी स्पीकर इतने बढ़िया, और इतना स्लीक लगता है, मेटल का है, ठंडा भी लगता है, कुछ ठंडी चीज अच्छी लगती है बॉडी को, बॉडी को नहीं मतलब फील करने में अच्छी लगती है। तो क्या क्या मिला था पहले इस विंडोज वाले लैपटॉप को साइड कर देते हैं। ये है बॉक्स, सुंदर सा यार, तुम्हें पता ही है एप्पल का बॉक्स बहुत सुंदर सा होता है, मेरे को अब दिख नहीं रहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, बट काफी बढ़िया होता है, फोकस पता नहीं कैसा है, तो इसको खोलते हैं, काफी बढ़िया लुक आती है यार इस पे। एंड ये है मैकबुक प्रो 13 इंच, एंड काफी कुछ है, 16GB रैम एंड कुछ कुछ लिख रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, एंड असेंबल्ड इन चाइना है, डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, ये इंपॉर्टेंट है। अब खोलते हैं इसको और दिखाता हूँ कि बॉक्स में क्या क्या है, एंड मेरे को क्या क्या मिला था वो वापस डालेंगे इसमें, तो तुम्हें पता ही चल ही जाएगा। ये रहा इसका बॉक्स, हटा दिया हमने, एंड ये अभी खाली है, बिल्कुल एम्प्टी। एंड ये पैकेज सा होता है, इसके अंदर आई थिंक डिजाइन बाय एप्पल कैलिफोर्निया लिखा है, इसके अंदर तुम्हें मिलेगी एक क्विक स्टार्ट गाइड जो जापानीज में है और इंग्लिश में है, एक तुम्हें मिलेगा कुछ वारंटी रिलेटेड स्टफ, काफी सारे पेपर हो जाते हैं, ये भी कुछ वारंटी रिलेटेड या बैटरी रिलेटेड स्टफ है, एंड और इसके अंदर कुछ नहीं है, स्टिकर्स कहाँ गए, तो मैंने ढूंढ के स्टिकर्स निकाले, ये मेरे पास दो स्टिकर्स हैं, आई थिंक ये जो ग्रे वाले हैं वो मैकबुक प्रो के साथ थे, और ये जो आईफोन मिला था का स्टिकर है, तो ये दोनों तो हम ही रखने वाले वैसे भी।
तो रिबॉक्सिंग करते हैं, इन सब चीजों को वापस डाल देते हैं, इस पैकेज को कर देते हैं बंद, इस बॉक्स में भरना शुरू करते हैं चीजें। ये है इसका अडैप्टर। तो हाँ, जापान का जो प्लग होता है वो ये वाला होता है बेसिकली, छेद दिख रहे होंगे तुम्हें, इसमें पतली सी पिंस होती हैं ये, इसको कर देते हैं फोल्ड। अब काफ़ी लाइट और ट्रैवल सेफ हो जाता है ये। इसमें यूएसबी टाइप सी वायर आती है, दोनों तरफ यूएसबी टाइप सी है, काफ़ी कन्वीनियंट है। इससे मैं अपना फ़ोन भी लगा सकता हूँ, तो फ़ोन आईफोन नहीं बट दूसरा जो मेरे पास वन प्लस सिक्स है उसमें टाइप सी है। एंड फिर ये इसका एक डोंगल, क्योंकि इसमें टाइप सी पोर्ट होता है सिर्फ मैकबुक प्रो में, तो यूएसबी लगाना है, एचडीएमआई लगाना, उसके लिए ज़रूरी है एक डोंगल। तो ये डोंगल है जो वापस करना है। तो डालना शुरू करते हैं चीज़ें। ये सबसे पहले आएगा अडैप्टर यहाँ पर, एंड फिर ये वायर हमें पूरा घुमा के रखनी पड़ेगी, ये वायर हम मुझे पूरी इसमें घुमा के डालनी पड़ेगी, तो उसको डालने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी लंबी वायर है यार, बड़ी मुश्किल से, तो किसी तरह मैंने फिक्स कर दी है और ये निकले ना बस। इसके ऊपर ये आ जाएगा डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, एंड पैकिंग डन। काफ़ी सिंपल, ये डोंगल अलग से जाएगा क्योंकि इसके अंदर नहीं आएगा ये, और हमारी पैकिंग हो गई है, मतलब काफ़ी आसान काम था ये। तो आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या मैक के इश्यूज हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़ायदों पे, क्योंकि फ़ायदे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यार। सबसे पहले तो इसके स्पीकर्स बहुत अमेजिंग है। स्पीकर्स टेस्ट कराने के लिए मेरे को तुम्हें चला के दिखाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ बढ़िया गाना। अब कुछ कॉपीराइटेड तो हम चला नहीं सकते, बट कुछ नॉन कॉपीराइट गाना ज़रूर चला सकते हैं। द फेमस गाना जो मेरी वीडियोज़ के एंड में आता है, उसे ही चला लेते हैं। पता नहीं तुम्हें पता चल रही है साउंड अच्छी है या नहीं, कैसे पता चला है, बट इसके फायदे बहुत हैं। यहाँ पे तुम्हें जो टच बार दिख रही है, इस पर इतनी बढ़िया चीज़ें हो सकती हैं। इसमें इमोजीज आते रहते हैं, इससे तुम गाना कंट्रोल कर सकते हो, इससे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, इससे ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया चीज़ लगती है मेरे को मैकबुक प्रो में। फ़ायदों पे अगर चले तो हम पहला अमेजिंग स्पीकर हो गया, फिर स्क्रीन बहुत सही है, मतलब सुपर क्लियर होता है ना, क्लैरिटी वो बहुत बढ़िया है स्क्रीन की, मेरे को मज़ा आता है देखने में भी। मतलब एक वो जो HD 4K क्लैरिटी होती है, HD में नहीं 4K से भी ऊपर वैसी वाली क्लैरिटी, तो मज़ा आ जाता है। थर्ड जो बेस्ट चीज़ लगती है यार, इसका टच पैड, ये जो टच पैड है ना इतना बड़ा है और कितना स्मूद है, मतलब ये जो स्मूदनेस है मेरे को किसी आज तक विंडोज़ के किसी मैंने लैपटॉप में इतना अच्छा टच पैड नहीं देखा है, सच बताऊँ तो यार सही में ये है। उसके बाद ये जो जेस्चर्स हैं ये भाई बहुत ही बढ़िया चलते हैं मैक ओएस पे। मैक ओएस इतना मस्त इन्होंने बना रखा है इस जेस्चर्स के लिए। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार इट सीम्स फास्टर। अब मतलब ये सही में फास्टर है या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता, बट ये लगता अच्छा है क्योंकि इसकी एनिमेशन जो है बहुत स्मूथ चलती है, बहुत फास्ट चलती है, तो ये अपने आप फास्टर लगने लगता है। अब फायदे में अगर हम डेवलपमेंट रिलेटेड फायदे डालें तो इसमें होता है टर्मिनल, तो टर्मिनल बहुत हेल्पफुल होता है अगर तुम्हें सीखनी है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ही करने वाले हो, HD बनने वाले हो, तो वो जो टर्मिनल है ना वो टर्मिनल बहुत फ़ायदा करता है तुम्हारा सीखने में। लिनक्स की कमांड्स चलती हैं क्योंकि उसमें, और जो बेसिक्स हैं सर्वर बेसिक्स, जो सर्वर के अंदर जो कमांड लिखते हो वही सेम टर्मिनल में भी लिखते हो, तो एक तुम्हारा हाथ सेट हो जाता है फाइलें संभालना, डायरेक्टरीज में अंदर बाहर जाना, क्योंकि हमें विंडोज़ की आदत होती है कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड्स अलग हैं, इसकी अलग होती हैं जो टर्मिनल और लिनक्स की कमांड्स होती हैं। तो एक बार इस पर हाथ सेट होता है तो काफ़ी फ़ायदा होता है आगे तुम्हारी HD वाली लाइफ में, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत फ़ायदा है। अब चलते हैं सीधा मैक के इश्यूज़ पे, जो मुझे इश्यूज़ लगते हैं। तो एक तो यार ये बहुत ज़्यादा हैंग होता है, अगर मैं मल्टीपल टैब्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर खोल लूँ, एक्सेल फाइल खोल लूँ, पावर पॉइंट खोल लूँ, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें खोल लूँ, स्लैक भी चल रहा हो, तो ये हैंग करने लगता है बहुत गंदा वाला, ऐसे रुक जाएगा बिल्कुल, मेरे को फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो इसी पीस के साथ प्रॉब्लम है, बट मैंने और लोगों से भी सुना है उनके भी मैक में यही इशू आता है जब वो ज़्यादा लोड देते हैं इस पर, तो एनिमेशन सुंदर लग सकती हैं तुम्हें बट उतना फास्ट है या नहीं तो वो बताते हैं। नेक्स्ट है इसका जो हीट फैन है ना, जो पीछे से आवाज़ आती है वाली, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें चलाते जाते हैं वो बहुत जल्दी से वो फ़ैन ऑन हो जाता है, तो मतलब अगर मैं 5-6 चीज़ें यहाँ खोल लूँ ना तो वो फ़ैन चलने लगे एंड फिर वो शोर करता है, तो वो यार अच्छा नहीं लगता मेरे को। फिर इट इज़ नॉट दैट फास्ट जो ये लगता है ना एनिमेशन और जेस्चर से, वो बस इन्होंने ऊपर गिमिकी वाले मेरे को ऐसा लगता है इन्होंने डाल रखे हैं, बट जो इंटरनल वर्किंग है वो उतनी फास्ट नहीं है एक मैक ओएस की। विंडोज़ में ज़्यादा कंट्रोल होता है तुम्हारे पास, कभी हैंग भी करता है तो तुम टास्क मैनेजर खोल के कुछ चीज़ें कर सकते हो ना, ये हैंग हो गया तो हैंग हो गया, कोई बटन काम नहीं करता फिर ना, इसका टास्क मैनेजर जो एक्टिविटी मॉनिटर वो भी नहीं खुलता। फिर ऑल्सो आई वॉन्ट टू गेट के M1 चिप वाला लैपटॉप मिल जाए, तो ये वापस करूँगा तभी तो M1 वाला मिलेगा मेरे को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये है हमारे सारे इश्यूज जो मेरे को फेस हुए या मेरे को लगे इस लैपटॉप के साथ। वैसे बहुत बढ़िया लैपटॉप है, अगर तुम्हारे पास पैसा है बहुत सारा तो तुम अपनी कोडिंग के लिए, अपने कॉलेज के लिए ये लैपटॉप ले सकते हो। मैकबुक कोई सा भी प्रो M1 वाला जो अब आ रहा है वो और फास्ट है,
बट अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है इतने फालतू वेस्ट करने के लिए, तो तुम एक विंडोज लैपटॉप लेके सेम लेवल पे पहुंच सकते हो, सीख सकते हो डेवलपमेंट, नोट जेएस, हर चीज चल जाती है एक विंडोज लैपटॉप पे जो एक मैकबुक पे चलती है फॉर डेवलपमेंट स्पेसिफिक। तुम्हारी सॉफ्टवेयर नीड्स वो कंपनी के अंदर ही होते, तुम्हारी कभी नहीं होने वाली, अनलेस तुम्हें फाइनल कट प्रो ही चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। प्रीमियर प्रो अडोबी का बहुत अच्छा चलता है, फोटोशॉप सब विंडोज पे बढ़िया चलता है। तो आई वुड प्रेफर विंडोज, अगर मेरे पास मतलब पैसे खर्च करने वाली बात है, रेशियो टू इन्वेस्टमेंट कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो वो डिपेंड करता है तुम पे। यही है मेरे थॉट्स मैकबुक के रिलेटेड। तो मैकबुक को इसको मैं पैक करके रख देता हूँ जो मैंने वापस निकाल लिया था। दूसरा लैपटॉप मेरा डेल कंपनी का है, एंड ये लैपटॉप इससे भी काफी लाइट है, तो मेरे को ये काफी पसंद है, इसीलिए मेरे को मतलब मेरे पास ऑप्शन था तो मैं उसी को करता, क्योंकि यार मेरे को ये ज्यादा पसंद है, ये लाइट है, ये सीधा हो जाता है बिल्कुल, तो ये काफी मस्त लगता है। इसका कीबोर्ड बिल्कुल रियल लाइफ मैकेनिकल कीबोर्ड के काफी क्लोज है, तो इसमें मजा आता है टाइपिंग करने में। ये जो साउंड आ रही है ना तुम्हें, ये बढ़िया साउंड होती है, मेरे को बड़ा मजा आता है। बाकी माउस तो वैसे भी अलग से यूज करना है, तो टच पैड इतना यूज होता भी नहीं है। तो यही थे मेरे थॉट्स इस पे, तुम्हें कैसे लगे थॉट्स, कुछ और जानना चाहते हो नीचे कॉमेंट्स में पूछ लेना। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, वहां पे मैं ऐसी स्टोरीज मस्त मस्त डालता रहता हूँ, और टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बहुत सारी वीडियो आने वाली, 6 मंथ एज एन SD आने वाला, 6 मंथ इन जापान आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सिक। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act.